हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो गुरुवार का दिन है और शाम की बजी है करीबन 9:15, और 9:15 बजे से मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करी है। तो बस अभी मैं अपने वीडियो की एडिटिंग थोड़ी बहुत करी थी, मैंने पूरी तो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हाँ ये है कि जब जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं जो वीडियो है उसको एडिट कर लेती हूँ। और अच्छा, उसी बीच में हुआ क्या कि मैं बिल्कुल भूल गई थी, बच्चों के लिए मुझे दूध बनाना था। अदरवाइज़ मैं 8:30 बजे के करीब दूध बना के रख देती हूँ और बच्चे 9:30-10 बजे सोते हैं, तब तक वो दूध ठंडा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल भूल गई थी और अभी बच्चे मतलब सोने ही जा रहे थे और मुझे याद आया, तो अभी मैंने बस जल्दी से उनके लिए दूध बनाया और उसको बड़ी सी प्लेट में रखा ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और रात के टाइम पे जो बच्चों के लिए मैं दूध बनाती हूँ उसके अंदर जो घर का मसाला होता है, चाय का जो मसाला होता है ना, जो मैं घर पर बनाती हूँ, तो वो मैं डाल के और फिर बनाती हूँ दूध, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडी का मौसम भी है और बच्चे पूरा दिन मतलब बाहर ही रहते हैं, स्कूल ट्यूशन, और इसकी वजह से जो उनकी बॉडी है वो थोड़ी सी मतलब मुझे लगता है अनकम्फर्टेबल सी लगती होगी, उनको थकी हुई सी लगती है। तो इस तरीके का दूध देने से बच्चों को एक थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, बच्चे जब उठते हैं मॉर्निंग में तब उनको अच्छा लगता है। तो बच्चों को दूध दे दिया है, वो दोनों दूध पी रहे हैं अपना, और इधर मुझे याद आया कि मुझे दूध पड़ा है तो दही भी जमाना है। तो विंटर के टाइम पर मतलब दही जो है वो इतना इजीली नहीं जमता है, तो एक टिप मैं आपको इस टाइम पर देना चाहूँगी, तो बहुत ही अच्छा किचन टिप से ज़रूर फॉलो करना। तो जब आप दही जमाते हो तो दूध को थोड़ा अच्छा गर्म कीजिए विंटर्स के टाइम पर, और इतना गर्म करना है कि जब आप अंगुली अंदर डालेंगे दूध के अंदर ना, तो आपको थोड़ा सा गर्म फील होना चाहिए, अच्छा खासा गर्म फील होना चाहिए। और उसके बाद में उसमें जो भी आपको थोड़ा बहुत दही डालना है चावन, वो डाल के उसको अच्छे से कम 15-20 सेकंड के लिए फेंटिए, और फिर देखिए आप इतना अच्छा दही जमेगा। और अभी ये जो वीडियो है वो है मॉर्निंग का, और सुबह की बजी है करीबन 5, तो आज मेरी नींद पता नहीं इतनी जल्दी खुल गई 5 बजे। अलार्म जो है वो 5:30 बजे का लगाती हूँ, लेकिन आज 5 बजे ही नींद खुल गई। तो मेरे पास में आज आधा घंटा था, तो फिर आधे घंटा तो मैंने सोचा इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले तो मैंने घर के अंदर ही वॉक करनी स्टार्ट कर दी, तो वॉक तो मैं खैर कई बार करती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, अगर 5-10 मिनट का भी टाइम मिलता है ना तो घर के अंदर ही वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि पैसेज जो है वो थोड़ा सा लंबा है और इस टाइम पर नीचे जाना तो पॉसिबल ही नहीं होता है। अभी तो खैर अच्छा खासा ठंडी का मौसम है, अंधेरा रहता है तो नीचे तो नहीं जा पाती हूँ, तो टाइम मिलता है तो फिर मैं घर के अंदर ही वॉक कर लेती हूँ। तो अभी बस मैंने वॉक भी करी और फिर उसके बाद में भी मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने थोड़ा सा योगा किया, थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, तो आज तो मतलब मेरा दिन बन गया था, क्योंकि बहुत दिन बाद में मैंने एक्सरसाइज करी है। वॉक तो कर लेती हूँ लेकिन हाँ एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिल पाता है सुबह, लेकिन आज नींद खुल गई तो फिर उसका अच्छा खासा मैंने यूज़ किया, और बिल्कुल वार्म अप वाली एक्सरसाइज करी थी। और लिटरली आपको बताऊँ, आज मैंने एक्सरसाइज करी ना तो मेरी बॉडी की जो हालत हुई, क्योंकि जब आप बहुत टाइम बाद में एक्सरसाइज करते हो ना तो फिर आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, मतलब मेरा हाथ पैर में हिला रही थी ना तो मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, और नीज़ वगैरह बैंड किए ना तो वो भी अच्छे से नहीं हो रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि यार मतलब रूटीन जो है वो ऐसी रखनी चाहिए कि आपको कम से कम 10 मिनट तो एक्सरसाइज का टाइम मिले, और फिर बस एक्सरसाइज करी, थोड़ा बहुत मैंने योगा किया, अनुलोम विलोम किया था, प्राणायाम किया था, और काफ़ी इतना अच्छा फील हुआ, और उसके बाद तो इतनी अच्छी एनर्जी से आ गई थी काम करने की। तो मैं आप सबको तो यही सजेस्ट करूँगी कि कम से कम 10 मिनट भी आप एक्सरसाइज करो ना तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन हम घर के काम में लगे रहते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होता, हम भले थक जाते हैं लेकिन हमारी बॉडी की जो फुल पूरी एक्सरसाइज होनी चाहिए ना, बॉडी का हर एक जो पार्ट है वो अच्छे से मूवमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है भले हम कितने भी थक जाते हैं। इसलिए आपको कम से कम 10 मिनट तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, और आज लिटरली मुझे फील हुआ। तो कोशिश करूँगी कि हाँ कम से कम 10 मिनट जितना भी टाइम मुझे मिले, 10 मिनट हो 15 मिनट हो, एक्सरसाइज तो करूँगी। सोचा तो है, फिर देखते हैं क्या होता है। और करीबन 5:30 बज गई थी, और उसके बाद में मैंने बस जल्दी से बच्चों को उठाया, और उसके पहले मैंने जो पीछे वाला रूम है हमारा बेडरूम, उसके अंदर गीज़र लगा हुआ है तो गीज़र ऑन कर दिया था, और एक बाल्टी भरकर मैंने बाहर वाले बाथरूम में रख दी, क्योंकि बाहर वाले बाथरूम के अंदर गीज़र है ही नहीं, और अभी तो फिर ठंडी का मौसम है तो बिना गर्म पानी के बच्चे नहीं नहा सकते, तो एक बाल्टी भर के बाहर रख दिए, तो एक जना बाहर नहाएगा एक जना अंदर नहाएगा। और अभी मैंने टीवी के अंदर अच्छे से भजन चला दिए हैं, तो बस आज तो फुल मोटिवेशन मतलब फुल एनर्जी के साथ में, मोटिवेशन क्या सॉरी, फुल एनर्जी के साथ में मैं काम करने आई हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट जो है वो बच्चों के लिए बनाया जाए, टिफ़िन भी कह सकते हो आप, बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हो,
अच्छी टिफ़िन रेसिपी है। और मैंने है ना तीन तरीके के आटे लिए हैं, मक्के का आटा लिया, बेसन लिया और गेहूं का, तीनों बराबर क्वांटिटी में लिए और फिर तीनों को मिक्स कर दिया। उसके बाद में मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाला है, थोड़ा सा अजवाइन डाला है, थोड़ा सा डाला है जीरा और ढेर सारी डाली है मैंने कसूरी मेथी। अब इसके अंदर एक चीज़ की कमी थी और वो है हरा धनिया, जो कि मेरे पास में नहीं था, और वो अगर होता है तो वो भी ढेर सारा डालो तो बहुत ही अच्छे से पराठे बनते हैं। और मल्टीग्रेन वाले पराठे हेल्दी तो है ही है और फुल ऑफ टेस्ट है, अच्छा खासा टेस्ट आता है, ठंडे होने के बाद में भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आटा ही लगाया, उसके ऊपर तेल लगा के उसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करने दूंगी और तब तक बाकी के काम करूंगी। सबसे पहले तो मैंने चाय रख दी हम तीनों के लिए, बच्चे भी नहाने के लिए गए हैं और वो नहा के निकलेंगे, तैयार होंगे, तब तक चाय बनकर थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। और बस चाय रख दी है और उसके बाद में जो रात के जो बर्तन हैं उनको अपनी अपनी जगह पर लगाना है तो वो भी मैं लगा दूंगी। तो बस बर्तन लगा दिए हैं, चाय भी बन गई है और चाय को अभी मैंने नहीं छाना है, जब बच्चे ना मतलब तैयार होकर आ जाएंगे ना तो उसके बाद में ही मैं छानूंगी, जब तक चाय अच्छी खासी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे ना एकदम गरम गरम चाय नहीं पीते, थोड़ी ठंडी हो जाती है उसके बाद ही पीते हैं। और फिर बस आटा जो है वो भी अच्छे से सेट हो गया था, अब जल्दी जल्दी से पराठे बना दूंगी। तो वैसे तो पराठे मैं हमेशा ट्राइंगल वाले बनाती हूँ, आज मैंने थोड़े से अलग तरीके के पराठे ट्राई किए हैं, टेस्ट तो खैर वही आता है लेकिन ये कि बच्चों को दिखने में थोड़े अलग लगते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ आज मम्मी ने कुछ तो नई चीज़ बनाई है। तो आज मैंने स्क्वायर वाले पराठे बनाए हैं और बस घी से ही बनाऊंगी पराठे, हेल्दी भी हो जाएंगे, थोड़े से अच्छे भी लगते हैं, सॉफ्ट रहते हैं पराठे। घी के जो पराठे होते हैं ना वो तेल के पराठों से थोड़े से मतलब सॉफ्ट रहते हैं। तो बच्चों का जो ब्रेक टाइम होता है वो 9 बजे तक का होता है और मैं करीबन 6:45 बजे तक खाना बनाती हूँ, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो घी के अगर पराठे बनाते हैं ना तो फिर वो थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। और इन पराठों के साथ में मुझे कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आज तो मेरे पास में आंवले की सब्ज़ी बनी हुई थी जो कि मैंने कल बनाई थी, तो वो मैं रख दूंगी। अदरवाइज़ बच्चे सॉस के साथ में भी खा लेते और कई बार तो वो ऐसे ही खा लेते। और ब्रेकफास्ट के टाइम पर तो मैंने जो चाय बनाई थी ना, चाय के साथ में भी पराठे बहुत अच्छे लगे थे उनको, तो बच्चों ने तो कहा कि मम्मी आप रोज़ है ना यही वाले पराठे बनाया करो, तो इतने अच्छे टेस्टी बने थे पराठे, एक बार ट्राई ज़रूर करना। अच्छी हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी अच्छी है और एज़ आप ब्रेकफास्ट भी इन पराठों को बना के खा सकते हैं। तो चलिए पराठे बन गए हैं, पराठे मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए थे तो वो भी ठंडे हो गए हैं। बस अब जल्दी जल्दी तो बच्चों का टिफ़िन भर देते हैं, बॉटल मैंने पहले ही भर के रख दी थी और बच्चों को मैंने बाहर चाय और नाश्ता दे दिया है, वो उनका चाय और नाश्ता फिनिश कर रहे हैं। तो सारे के सारे काम जो है एकदम साथ साथ में चलते हैं। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और ऊपर आते में ही सबसे पहला जो मुझे काम करना था वो है वॉशिंग मशीन चलाना, क्योंकि कल क्या था, कल चतुर्दशी थी और चतुर्दशी के दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ और उसके एक दिन पहले कपड़े इतने ज़्यादा थे नहीं, तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि कल चतुर्दशी है, कपड़े धोने हैं। तो फिर आज इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे, पूरी मशीन जो थी वो खचाखच भर गई थी, तो एक बार में तो इतने सारे कपड़े मशीन में नहीं धुल पाएंगे। तो फिर मैंने थोड़े बहुत कपड़े निकाल दिए और आधे कपड़े अंदर धुल रहे हैं, आधे कपड़े मैंने बाहर निकाल दिए हैं, तो आज दो बार मशीन में कपड़े जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी कपड़े जो है वो डाल दिए ताकि मंदिर जाए उसके पहले पहले कपड़े सारे ही धुल जाएं। और अच्छा कल मेरे पास में क्वेश्चन आया था कि आप रोज़ मंदिर जाते हो क्या, तो हाँ कोशिश तो यही रहती है कि रोज़ ही मंदिर जाएं। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं है या फिर घर पर गेस्ट हैं या फिर कोई भी कोई रीज़न अगर ऐसा होता है तो फिर स्किप भी हो जाता है, लेकिन हाँ जनरली ऐसा होता है कि 25 दिन या फिर 20 दिन आप मान लो कि मंदिर तो हम जाते ही जाते हैं।
तो बस अभी देखो कपड़े जो है वो मशीन में डाल दिए, वो धुल रहे हैं, और साथ में मैंने वॉश बेसिन, कांच, जो स्विच बोर्ड है वो सारा ही क्लीन कर दिया है। और अब मैं आई हूँ अपने बेडरूम के अंदर, तो इसी टाइम पर ही इस बेडरूम की क्लीनिंग होती है। इसके पहले तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे उठते हैं उसके बाद में किचन के काम में लग जाते हैं, और जेंट्स भी फिर लास्ट में उठते हैं। तो बस अभी इस टाइम पर नहाने जाऊँगी, उसके पहले ही सारे बिस्तर फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी, और बेड की क्लीनिंग वगैरह ये कर लूँगी, क्योंकि नहाने के बाद फिर ये सारे काम ना तो हो पाते हैं, और मुझे पता नहीं देख के इतना इरिटेशन उसे होता है, क्योंकि इस कमरे में बहुत ज़्यादा बिस्तर बिखर जाते हैं। तो बस नहा के निकल गई हूँ, अब थोड़ी बहुत स्किन केयर कर ली जाए। तो आजकल मौसम इतना मतलब ठंडा ठंडा तो हो ही रहा है, और इस टाइम पर एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा गंदी लगती है, वो है पूरी स्किन जो है वो एकदम ड्राई ड्राई सी हो जाती है। आप कितना भी लोशन अप्लाई करोगे ना, लेकिन फिर भी आपको आपकी स्किन जो है वो ड्राई लगेगी। तो जैसे ही नहा के निकलती हूँ तो तुरंत बाद में ही हाथ पर, पैर पर और फेस पर जो लोशन लगा देती हूँ, और फेस के ऊपर सनस्क्रीन लगाना मतलब ज़रूर अप्लाई करती हूँ, अदरवाइज़ तो स्किप हो जाता है। लेकिन आजकल जब से ठंड पड़ने लगी है ना, तब से तो मतलब रूटीन में हो गया है कि मॉर्निंग में और नाइट के टाइम पर भी थोड़ी बहुत स्किन केयर करती हूँ। नाइट में क्या क्या स्किन केयर करती हूँ वो फिर मैं आपके साथ में कभी शेयर करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं आजकल एज के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि चीज़ें इतनी अच्छे से सूट नहीं होती है फेस पर, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्लाई नहीं करती हूँ। और ये देखिए आज मम्मी जी ने क्या चीज़ बनाई है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि खिड़की में कुछ संतरे के जो छिलके थे ना वो सूख रहे थे, और मैंने ये भी बोला था कि इसका हम क्या करेंगे वो मैं आपको जब कभी बनाऊँगी तो बताऊँगी ज़रूर। तो किया किया उन्होंने जो जो संतरे के छिलके थे उसको कम से कम 4 से 5 दिन तक रोज़ धूप में रखा, और जब वो अच्छे से सूख गए तो उन सबको अच्छे से जला दिया। तो एक बड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ था मेरे पास में लोहे का, तो उसके अंदर इनको अच्छे से जलाया, और उसके बाद में थोड़े बहुत अंदर नींबू के छिलके थे ना वो भी डाल दिए थे, तो वो भी सूखे थे, मतलब सारी चीज़ें एकदम ड्राई होनी चाहिए। उसके बाद में उसको अच्छे से जला दिया, जलाने के बाद में उसका मतलब अच्छे से राख टाइप की बन जाती है, और फिर मैंने इस मिक्सी के अंदर इसको अच्छे से पीस दिया, थोड़ा सा उसके अंदर नमक डाला और 7 से 8 डाले लौंग। तो ये बन गया था बिल्कुल होममेड पेस्ट, पेस्ट नहीं कह सकते आप, जो आता है ना पहले गांवों में मिलता था काले कलर का, काला मंजन बोलते हैं जिसको, ये वो है। तो मम्मी जी बाबूजी एक्चुअली ये जो मंजन होता है ना जो हम लोग करते हैं पतंजलि वाला या फिर पेस्ट वाला, वो नहीं करते, और इस बार वो गांव से जो काला मंजन होता है ना वो लाना भूल गए। तो फिर इस बार घर पर ही हमने मंजन जो है वो तैयार किया, बहुत अच्छा लगा था मतलब टेस्ट में, क्योंकि ना नींबू के छिलके थे संतरे के तो उसका थोड़ा खट्टापन था, और नमक से थोड़ा खारापन भी आ गया था, और लौंग से थोड़ा तीखापन आ गया था। तो मुझे तो लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है और करनी चाहिए इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बनानी चाहिए, इससे दांत है ना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते, क्लीन हो जाते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बार। और इधर ये देखिए कपड़े वगैरह जो है वो धुल गए थे तो उसको मैंने सुखा दिए, और अभी देखो मंदिर से हम आ गए हैं, ये उसके बाद की वीडियो है। और आने के बाद में अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर, और आज मंदिर गई थी ना तो उसके पहले मैं कोई भी खाने की तैयारी करके नहीं गई थी, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं लौकी के पराठे, तो मॉर्निंग में फिर इतना टाइम ही नहीं था कि मैं स्टफिंग वगैरह कुछ तैयार करूँ। तो अभी बस जल्दी जल्दी से लंच की तैयारी कर लेंगे। अच्छा, आज मैंने प्लानिंग कर तो दी थी कि लौकी के पराठे बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी रायता और टमाटर की सब्ज़ी, टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, लेकिन फिर जैसे ही मंदिर से आए तो आने के बाद में आज जैन साहब ने इतनी जल्दबाजी करी, उनको एक्चुअली शॉप पे काम था तो उन्होंने मेरे को मॉर्निंग में तो बताया ही नहीं था, और जैसे ही मंदिर से आए तो फिर उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी खाना बना दे, मेरे को जल्दी जाना है शॉप पर। और लौकी के पराठे तो फिर उनमें थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है ना, उसकी उसको छीलना, उसके बाद में ग्रेट करना, उसकी स्टफिंग बनानी, उसको ठंडा करना आज, तो और उस बीच में मैं आपको ना रेसिपी भी नहीं बता पाई कि किस तरीके से लौकी के पराठे मैंने बनाए थे, ग्रेट किया वहाँ तक तो शायद मैंने शूट कर लिया था, और उसके बाद में तो फिर वो इतनी जल्दबाजी करने लग गए, तो बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आज ये पराठे बनाए थे, लेकिन बने बहुत टेस्टी थे, बहुत ही टेस्टी बने थे पराठे। तो बस अभी जल्दी जल्दी से पराठे जो है वो बना दूँगी, और उसके बाद में सबसे पहले मैं जैन साहब को रखूँगी क्योंकि उनको जाना है शॉप पर। तो
दोस्तों ये जेंट्स आपके लिए थाली तैयार हो गई है, लौकी के पराठे, साथ में है टमाटर की खट्टी मीठी चटनी और दही भी था, लेकिन उन्होंने ना बोल दिया क्योंकि उनको थोड़ा सा मतलब जुकाम जैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला दही मत रख। तो बस सब्जी और पराठे मैंने उनको सर्व किए हैं, बहुत ही टेस्टी। आप लोग बनाते कि नहीं बनाते बताना ज़रूर। हम लोग तो एक्चुअली आलू वगैरह नहीं खाते हैं ना, तो हमारे घर में फिर मोस्ट ऑफ लौकी के पराठे बनते ही हैं, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। और फ्रिज में करीबन 4 लौकी पड़ी हुई थी, तो आज 2 लौकी के मैंने पराठे बना दिए। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।